नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आज फ्राइडे का सत्र, भारतीय बाजारों में कुछ वॉलेटिलिटी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। शुरुआती कारोबार बहुत मजबूत था, इनफैक्ट हम नई ऊंचाई पर पहुंचे, लेकिन ऊपरी लेवल्स पर बाजार टिक नहीं पाया है। इस समय आप गौर करें तो निफ्टी करीब करीब 30 अंकों के नुकसान पर ट्रेड करता हुआ, तो 22611 के लेवल्स आ चुके हैं। इनफैक्ट कुछ देर पहले हमने 600 के लेवल को भी ब्रीच किया था। निफ्टी बैंक की तरफ से ज़्यादा दबाव है, अब 150 पॉइंट गवा चुका है ये इंडेक्स। यही इनफैक्ट इस समय नीचे खींचता हुआ बाजार को, और अगर आप एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखेंगे वो आपको थोड़ी सी संकरी दिखाई देगी। कंस्ट्रिंग मिड कैप्स में भी ऊपरी लेवल से कुछ कुछ दबाव बनता दिखाई दिया। ये सेंसेक्स आपकी स्क्रीन पर, एडवांस डिक्लाइन रेशियो अब इस समय नेगेटिव हो चली है, गिरने वाले शेयरों की संख्या ज्यादा है। तो दबाव कहाँ से आया है, एक बार निफ्टी के कॉन्ट्रीब्यूटर स्क्रीन पर लेकर आते हैं। एक तो L&T की तरफ से काफी भार बन रहा है, लेकिन L&T ही नहीं, आप देखिए HDFC बैंक, रिलायंस और भारतीय सभी दिग्गज हैं जो इस समय मार्केट को नीचे खींच रहे हैं। दूसरी तरफ बजाज फाइनेंस की तरफ से एक बहुत बड़ी रिलीफ रैली आती हुई, RBI ने इनको जो थोड़ा सा अनुमति दे दी है वो दो प्रोडक्ट्स फिर से लॉन्च करने की, तो वो आज का टॉप परफॉर्मर कोल इंडिया नंबर्स के बाद। ONGC में तेजी और टाटा स्टील भी है जो तेजी की तरफ ही बैठ रहा है। ये फिलहाल है वो काउंटर्स जहां पर बड़ा एक्शन बनता दिखाई दिया, लेकिन बैंकों में खासा बिकवाली का देखने को मिल रहा है, और देखते हैं उससे कैसे जूझा जाए। लेकिन इस समय मार्केट का एक्शन आपने देख लिया, अब लेकर आते हैं रिटर्न्स, और रिटर्न्स की स्थिति आपकी स्क्रीन पर है। सोनी पटनायक 7.5% के रिटर्न्स एंजॉय कर रही हैं, पंकज रांदर करीब 7% के रिटर्न्स पर है, हरीश 0.5% नेगेटिव रिटर्न दिखाते हुए। क्या रणनीति होनी चाहिए, इस मार्केट को कैसे अप्रोच किया जाए, उस सब पर बातचीत होगी। पंकज, पहले तो मार्केट पर एक व्यू दीजिए, कल एक अच्छा पुल बैक लेकिन आज होल्ड नहीं कर पा रहा है। गुड मॉर्निंग अर्षदा जी, एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए अर्षदा जी, ऊपरी लेवल से डेफिनेटली 900 के लेवल से निफ्टी के अंदर एक सेल देखने मिला है, और वो कंप्लीटली प्रॉफिट बुकिंग रहेगा। मुझे लगता है कि 22,680 की जो लेवल्स है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की रहेगी निफ्टी के लिहाज से। मैं फ्यूचर्स की बात कर रहा हूँ, तो वहां से दोबारा बाइंग रिज्यूम होनी चाहिए, और बैंक निफ्टी के अंदर जो कल का लो है अगर वो तोड़ देता है तो शायद और भी गिरावट देखने मिल सकती है। लेकिन PSUs के अंदर काफी तगड़ी गिरावट देखने मिल रही है, तो बैंक निफ्टी के अंदर मेरी सलाह, कंसोलिडेशन के फेज में अगर आता है तो हम लोग दोबारा सोचते हैं कि उसमें बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए, बट फिलहाल निफ्टी को बाय ऑन डिप्स रहेगा। निफ्टी बाय ऑन डिप्स है और निफ्टी बैंक पर नजर रहेंगी। 49,123 के नीचे का क्लोज दिक्कत भरा रहेगा, इनफैक्ट वो लेवल 49,123 कल का लो था, उसके नीचे ही इस समय ट्रेड बनता हुआ। सोनी, आपकी अप्रोच इस तरह के मार्केट में? गुड मॉर्निंग हर्षदा जी, यहाँ पे मुझे लगता है कि कल FIs की आउटलुक काफी पॉजिटिव थी, तो एक अभी भी रेंज पे बना हुआ है। आज ऑल टाइम हाई निफ्टी ने टेस्ट किया है, बट वहां से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है। सो 22,500 पे काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, सपोर्ट के आसपास अगर बाई कर सकते हैं बाय ऑन डिप्स, तो 22,500 स्टॉप लॉस मेंटेन करके वहां से बाउंस करेगा अगेन टुवर्ड्स 22,700-750। सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी 59,000 की काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ पे अभी ऑलमोस्ट लॉयटर करे तो बैंक निफ्टी में करंट लेवल से भी मुझे लगता है बाई हो सकता है, यहाँ से रिवर्सल दिखा सकता है सेकेंड हाफ में। 48,600 स्टॉप लॉस के साथ बैंक निफ्टी यहां से बाई कर सकते हैं, और यहां से 49,500-49,600 को दोबारा टेस्ट कर सकता है। ओके, हरीश आपकी अप्रोच क्या रहेगी? गुड मॉर्निंग हर्षा जी, मार्केट में थोड़ा बहुत बिकवाली देखने मिल रहा है सुबह से, सुबह ऑल टाइम हाई मारा था लेकिन वहां से टिक नहीं पाया। जिस तरह से हमने बता रहे थे कि 22,775-780 के आसपास एक स्टिफ रेजिस्टेंस बना हुआ है, तो वहां से बिकवाली बिल्कुल देखने मिल रही है। तो करंटली अगर देखा जाए तो निफ्टी में 22,500 के आसपास सपोर्ट है, और थोड़ा कॉशियस होना जरूरी लग रहा है मुझे इस टाइम पे, क्योंकि अभी तक थर्ड टाइम है ये टेस्ट किया हुआ है लेकिन ऊपर लेवल्स पर टिक नहीं पा रहा है मार्केट्स, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा कॉशियस होना जरूरी है। और बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो 49,000 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इमीडिएटली, अगर ये लेवल टूटता है तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत ज्यादा सेल ऑफ देखने मिल सकता है आगे भी, और क्योंकि जिस तरह से टेक्निकल पैटर्न्स में डाइवर्जेंस दिखा रहा है बैंक निफ्टी में, मुझे लग रहा है कि थोड़ा कॉशियस होना जरूरी है आज के लिए, और 49,000 के नीचे थोड़ा बहुत वीकनेस दिखा सकते हैं। 49,000 के नीचे और वीकनेस बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है, थोड़ा सा कॉशन रखें। चलिए फटाफट से आप स्क्रीन पर जो टॉप ट्रेड्स हैं हमारे जानकारों के वो लेकर आइए, और फिर आज के क्या ट्रेड्स बन रहे हैं उस पर आएंगे।
हरीश का JBM ऑटो, और JBM ऑटो के बहुत जोरदार नतीजे थे, 2% ऊपर वो काउंटर रिटर्न दिला पाया है। वेदांत करीब 1.5% की कमाई कर पाया, पंकज के लिए और सोनी का लेमन ट्री करीब 1% तक के रिटर्न्स बना पाया है। लेकिन आज किन सौदों पर फोकस रहेगा? सोनी का पोर्टफोलियो पहले स्क्रीन पर आएगा जहां पर आप गौर करें। अच्छा चले, पंकज का पोर्टफोलियो लेकर आइए आप फिर। सोनी से संपर्क कुछ देर के लिए थोड़ा सा टूट गया है। पंकज ने पावर ग्रिड में प्रॉफिट बुक किया है कल के कल 313.90 पर, और वेदांता में भी मुनाफा बुक किया। पंकज, आज का नया सौदा? अर्जा जी, मेटल्स के अंदर काफी स्ट्रॉन्ग एक बाइंग देखने मिली है, और NMDC जो स्टॉक है वो काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में दिख रहा है अभी। तो 263-264 की रेंज में इसको एक बाय करने की सलाह रहेगी विद द स्टॉप लॉस ऑफ 255 का, एंड टारगेट जो रहेगा उसका 280 तक के हम लोग देखने मिल सकते हैं। तो 80 का टारगेट रहेगा। NMDC एक बाय साइड का ट्रेड है आज, यहाँ पर 255 का आप स्टॉप लॉस लगाएंगे, करीब 2% ऊपर इस समय वो स्टॉक कर रहा है कारोबार। हरीश का पोर्टफोलियो लेकर आते, सीएट में अनफॉर्चुनेटली स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ क्योंकि कंपनी ने नतीजे ही ऐसे फीके पेश किए। JBM ऑटो में प्रॉफिट बांधा है आज सुबह में आपने 2020 के लेवल्स पर, और CSE के ट्रेड को होल्ड कर रहे हैं। हरीश, आपका आज का नया ट्रेड? अच्छा जी, मेरा नया दूसरा ट्रेड रहेगा फिलहाल एक कोल इंडिया में, कोल इंडिया का बाय करने के रहा है क्योंकि जिस तरीके से पैटर्न बना था बहुत दिनों के कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट दिया है स्टॉक प्राइस, और मुझे लग रहा है कि यहाँ से स्टॉक प्राइस नया हाई तक भी जा सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि करंट लेवल से बाय करने की राय है, और ऊपर के मैं 498 का इमीडिएट बेस में टारगेट दिख रहा है मुझे। सो स्टॉप लॉस रहेगा 450 का। ओके, 450 का स्टॉप लॉस और तेजी का ट्रेड कोल इंडिया में आप लेकर चले। 3.5% की तेजी इसमें बनी है, नंबर्स के बाद हमने देखा है स्टॉक थोड़ा सा चला है, 498 तक जा सकता है ये पर्टिकुलर ट्रेड। सोनी का पोर्टफोलियो देखे तो वेदांता का जो ट्रेड था वो कल इन्होंने बुक कर लिया 406 रुपीज के आसपास, और लेमन ट्री 157 के आसपास इन्होंने बुक किया। सोनी, आज का नया सौदा? जी हाँ सर, सॉरी फॉर टेक्निकल इशू, आज का फ्रेश यहाँ पे मैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया से पे देना चाहूंगी, काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है यहाँ पे। 170 का कॉल ऑप्शन हम देखेंगे तो काफी अग्रेसिव वहाँ पे राइटिंग हो रही है, तो उसको क्रॉस करेगा बहुत शार्प शॉर्ट कवरिंग आपको टूवर्ड्स 185-190 नजर आएगा। सो करेंट लेवल 169.4 पे आप बाई कर सकते हैं, 160 स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 190-195 टारगेट्स के लिए। 90-195 के टारगेट रहेंगे, सेल एक बाय साइड का ट्रेड इस समय, और 160 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ये है फिलहाल आपके लिए इस समय की प्राय। एक एक ट्रेड हमारे जानकार और जोड़ेंगे तो उस पर आएंगे, आप लोग कुछ निकाल कर रखिएगा। इस बीच फोकस करते हैं इंडिया मार्ट पर। इंडिया मार्ट कल का आउट परफॉर्मर था, इंट्राडे में 9-10% तक के गेंस इसमें बनते दिखाई दिए। इनफैक्ट पिछले 6 महीनों में देखेंगे तो स्टॉक करीब करीब 9-10% के रिटर्न्स दिला चुका है। क्वार्टरली नंबर्स आए हैं उसके बाद आप देखिएगा परफॉर्मेंस अच्छा है। रेवेन्यू में 17% तक का इजाफा क्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, एबिट्टा में ग्रोथ है, ये 66 करोड़ से बढ़कर 88 करोड़ पर आया। प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी खासी बढ़ी है, यहाँ पर 99 करोड़ का फिगर कंपनी ने किया है डिलीवर। तो ये परफॉर्मेंस रहा, अब यहाँ से आगे क्या ये रन रेट आगे बरकरार रह पाएगा, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इस क्वार्टर में हमने देखा है कुछ सब्सक्राइबर एडिशन रहा है कंपेयर टू Q3, नंबर ज्यादा बेहतर है, क्या उसमें और पिकअप देखने को मिलेगा? हमारे साथ इस समय जुड़ गए हैं कंपनी के दरअसल CEO दिनेश अग्रवाल। अग्रवाल जी, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। पहले तो इस क्वार्टर की हाईलाइट्स अगर मुझे बता सके, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो सब्सक्राइबर एडिशन कंपेयर टू Q3 एक ज्यादा बेहतर पिकअप है, लेकिन क्या नंबर्स में और स्केल देखना है का कॉन्फिडेंस है आप में? जी, तो पिछले क्वार्टर सब्सक्राइबर एडिशन जो हमारे थे वो करीब 1800 रह गए थे, काफी ऑल टाइम लो हो गए थे, और उसके बाद हमने इस क्वार्टर करीब 2700 का एडिशन किया है, और अगले दो क्वार्टर में हम उम्मीद करते हैं कि वापस से 5000 का जो हमारा सब्सक्राइबर एडिशन पर क्वार्टर का टारगेट रहता है वहां हम पहुंचने की कोशिश करेंगे। क्योंकि सब्सक्राइबर एडिशन पीछे कम रहे हैं, पिछले 4 क्वार्टर से कम रहे हैं, और उसका इफेक्ट अपने को कलेक्शंस फ्रॉम ऑपरेशन और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दोनों पे अब देखने को मिल रहा है। हालांकि
आरपू में अच्छी खासी ग्रोथ हुई है, जिसकी वजह से कलेक्शन करीब 16-17% और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी करीब 17% बढ़ा है। ये आरपू में जो ग्रोथ हुई है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में, क्या इसे आप बेहतर कर पाएंगे इन द कमिंग क्वार्टर्स सर? सवाल तो मार्केट में यही लोग पूछ रहे हैं कि कैन यू बेटर दीज नंबर्स कंसीडरिंग परहैप्स वो सब्सक्राइबर एडिशन का वर्स्ट हमने पिछले क्वार्टर में पीछे छोड़ दिया है। जी, तो हम कोशिश करेंगे कि क्वार्टर दर क्वार्टर यहाँ से इम्प्रूव करें और जितनी जल्दी से जल्दी हो सके 5,000 पे पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो आरपू एवरी क्वार्टर 10% बढ़ पाएगा, मेरे ख्याल में आप वो टारगेट करना चाह रहे थे। अब वो तो मैं ऐसे नहीं बता सकता, लेकिन हाँ कोशिश करेंगे। ओके, अच्छा मैं आपसे ये भी समझना चाह रही हूँ फिर कलेक्शन में ओवरऑल FY25 में अग्रवाल साहब कितनी विजिबिलिटी है इम्प्रूवमेंट की, क्योंकि मुझे याद है आपसे चर्चा जब हमने कोविड के दौरान की थी तब आपके बिजनेस में एक बहुत अच्छा स्केल देखने को मिला था और उसके बाद आई गेस वो हाई बेस का इम्पैक्ट था, लेकिन अब क्या बिजनेस अब ज़्यादा नॉर्मलाइज हो रहा है और फिर ग्रोथ की तरफ लौटेगा? हाँ, तो एक जैसे कि पिछले साल हमने FY23 में करीब 34,000 कस्टमर ऐड किए थे, जिसकी वजह से कलेक्शन एकदम तेजी से बढ़ा था। अब इस साल अगर आप देखें तो हम केवल 12,000 कस्टमर ऐड कर पाए हैं, तो जब तक ये हम कस्टमर एडिशन ठीक करेंगे तो उससे हमारा कलेक्शन और इम्प्रूव होगा। आरपू में अच्छी ग्रोथ हुई है, आरपू अगर आप देखें तो अब हम करीब 55,000 पर कस्टमर के आरपू पे हैं और मार्जिन भी बेहतर हुए हैं। पिछले लास्ट ईयर फोर्थ क्वार्टर में हम करीब 26-27% के स्टैंड अलोन एबिटा मार्जिन पे थे, जो अब हमने 30% तक पहुंचाया है और अब हमें उम्मीद है कि 30% का मार्जिन हम बरकरार रखने की कोशिश करेंगे। तो ये पेइंग सब्सक्राइबर्स वापस ट्रैक पर लाने के लिए क्या आपने कुछ अलग किया है जो आपके फेवर में जा रहा है इस समय? तो एक तो हमने बताया था कि हमारी जो आउटसोर्स सेल्स टीम थी उसको हम कुछ इनहाउस मूव कर रहे हैं, कुछ हमने जो टीयर 4 साइट पे ज्यादा कोविड के टाइम में फैल गया था उसको हम वापस से मेट्रो फोकस की तरफ लेके आ रहे हैं, मेट्रो और टीयर 1 टीयर 2 फोकस की तरफ लेके आ रहे हैं और बाकी हम प्रोडक्टिविटी और इंसेंटिव स्कीम्स को बराबर मॉनिटर कर रहे हैं कि किस तरह से बेटर ट्रेनिंग और हायरिंग के साथ बेटर इंसेंटिव स्कीम के साथ बेटर प्रोडक्टिविटी ड्राइव की जाए। लेकिन इस समय जब आपसे बात होती है नॉर्मली हमें एक अंदाजा भी मिलता है कि एमएसएमई सेगमेंट में बिजनेस ग्रोथ को लेकर कितना कॉन्फिडेंस है। दिनेश जी, जब आप इन लोगों से बात कर रहे हैं और जब आपके भी वो रेफरल प्रोग्राम्स के जरिए सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम क्लाइंट्स में जो लोग इवॉल्व होते हैं या फिर ऊपर जाते हैं, कितना हमने देखा है वो मूव इन बिटवीन दीज लॉयल्टी प्रोग्राम्स और साथ ही साथ वो क्या इंडिकेशन है of the overall health of the MSME sector at this point in time? तो अगर आप देखें तो गोल्ड और प्लैटिनम में काफी हेल्दी पिकअप है, जो ज्यादा वैल्यू के हैं तो उससे ये नजर आता है कि जो थोड़े से बड़े SMEs हैं, मीडियम साइज एंटरप्राइजेस हैं, 5-1 करोड़ 10 करोड़ से ऊपर वाले, वो अच्छा काम कर पा रहे हैं, लेकिन जो 40 लाख 50 लाख 1 करोड़ से नीचे के SME हैं वहां पे अभी भी थोड़ा प्रेशर है कि कहाँ से सेल्स ग्रोथ लाएं, कैसे कंपीट करें मार्केट में, तो इस वजह से चर्न भी थोड़ा ज्यादा देखने को मिलता है। हालांकि कुछ उसका हिस्सा हमारे प्रोडक्ट मैनेजमेंट पे भी हो सकता है, लेकिन इन जनरल जो थोड़े बड़े SME हैं वो GST के बाद अच्छा कर रहे हैं, जो थोड़े छोटे SME हैं उनको दिक्कत हो रही है। तो छोटे SMEs को दिक्कत बिजनेस साइकिल में दिक्कत है या फिर प्राइमरीली कंपटीशन का ज्यादा इम्पैक्ट है? दोनों ही कह सकते हैं। एक तो देखिए इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा है और मार्केट धीरे धीरे कॉम्पिटेटिव हो रहा है इंडिया का, तो जिसकी वजह से जो छोटे लोग हैं उनको एक तो कई बार पिछले 2-3 सालों में बिजनेस काफी चेंज करना पड़ा क्योंकि कोविड में 2-3 बार डिसरप्शन हो गया उनके करंट बिजनेसेस का और बिजनेस मॉडल काफी चेंज हुए। तो जब नए बिजनेसेस में वो जाते हैं तो वहां पे उनको शुरुआती दिक्कतें आती हैं कि हाई क्रेडिट GST रेजीम ऑल्सो है और नए कस्टमर भी जुटाने हैं और उनको कॉम्पिटेटिव प्राइसेस भी प्रोवाइड करने हैं, क्योंकि ऑनलाइन की वजह से कॉम्पिटिशन तो है ही है। देखिए जी हाँ,
तो अग्रवाल साहब, फिर इंडिया मार्ट का फोकस किस तरह के कस्टमर्स पर रहेगा FY25 में अपने बिजनेस को स्केल करने के लिए? कस्टमर का फोकस वही MSME ही रहेगा। लार्ज एंटरप्राइजेस से हमारा बिजनेस आता है करीब 5%, लेकिन मेजर फोकस SME पे ही रहेगा। एक्सपोर्टर से भी 5% का बिजनेस आता है। MSME में अगर आप देखें तो मेट्रो में और टीयर वन में अभी काफी सारा नेटवर्क इफेक्ट और बनने की उम्मीद है। हमारी ज्यादा से ज्यादा कैटेगरीज अब काफी हाई ट्रैक्शन कैटेगरीज हो चुकी है। दूसरी साइड पे जो हमने बिजी में इन्वेस्टमेंट किया था उसको स्केल अप करने की कोशिश करेंगे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में, बिजी और व्यापार में, तो यही दोनों काम करेंगे FY25 में। इनफैक्ट FY24 में आप लोगों ने काफी कंसोलिडेशन 23-24 दोनों में कंसोलिडेशन करने की कोशिश की और कई सारे इनऑर्गेनिक एक्विजिशंस भी किए हैं, तो कुछ उसका फल हम 25 में ज्यादा देखेंगे आता हुआ? एंड क्या और कोई एक्विजिशंस आप लोगों ने इस समय आइडेंटिफाई किए हैं अग्रवाल जी? नहीं, अभी तक कोई और नए आइडेंटिफाई नहीं किए हैं, लेकिन हम बिकॉज हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन अच्छा रहता है, पिछले साल भी हमने 560 करोड़ का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन किया है, तो हमारे सामने ये हमेशा अपॉर्चुनिटी बनी रहती है कि अगर कोई अच्छी कंपनी जो MSME स्पेस में हमारी एडजेसेंसी में हो तो अगर हम उसको एक्वायर कर सकेंगे तो जरूर करेंगे। अग्रवाल साहब, प्लेजर स्पीकिंग टू यू एंड गुड लक टू यू सब कमिंग फिस्कल के लिए FY25। उम्मीद तो है, भरोसा भी है कि शायद ये बेहतर साल उभर कर आएगा क्योंकि हाई ट्रैक्शन बिजनेस में अब वो फिर नंबर्स डिलीवर होने लगे हैं। कंपनी अपनी आरपूज थोड़े से बेहतर कर पाई है, रियलाइजेशंस में इम्प्रूवमेंट है एंड कस्टमर बेस भी अगले दो क्वार्टर में जो पहले 5,000-6,000 होता था वो बढ़ता हुआ दिखाई ज़रूर देगा। हर जो क्वार्टर ये ऐड कर पा रहे हैं, पिछले क्वार्टर में वो थोड़ा सा नरम था, पिछले यानी कि पिछले साल इसी तिमाही में की अगर बात करें। चलिए लेंगे इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक। स्टॉक आज थोड़ा सा विराम ले रहा है लेकिन कल एक बहुत तगड़ी रन इसने दिखाई, कल परसों बहुत अच्छे खासे गेंस देखने को मिले थे। चले लेंगे एक ब्रेक, एक एक ट्रेड हमारे जानकार और जोड़ सकते हैं, देखते हैं उनके पोर्टफोलियो में और क्या नया आ रहा है। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर वन, मार्केट के एक्शन पर नजरें रखिएगा। अब धीरे धीरे करके मार्केट और फिसल गया है, 22,600 को तोड़ चुका है इंडेक्स इस समय, 22,590 के लेवल्स, 55 अंकों का नुकसान। मिड कैप इंडेक्स 60 पॉइंट नीचे, निफ्टी बैंक वैसे भी दबाव में था, यहां पर भी बिकवाली बढ़ गई है, ये 160 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है। इस घंटे प्रेशर में क्या आ रहा है? अच्छा, बाय द वे, भारतीय एयरटेल 1.25% नीचे, अब मारुति फिसलने लगा है, आपके टेक महिंद्रा इंफोसिस जैसे ट्रेड्स में हल्की हल्की मुनाफा वसूली दिख रही है, तो ये कुछ प्रेशर पॉइंट्स इस समय मार्केट के हैं। ब्रिटानिया नंबर से पहले कमज़ोर है, इसने 1% गवा दिए हैं तो वहाँ पर दबाव बनता हुआ। और एक बार टाइटन भी मैं आपको दिखा दूँ, टाइटन के नतीजे आ जाने वाले, टाइटन फ्लैट है, 0.5% से ज़्यादा का नुकसान यहाँ पर, लेकिन फ्लैटिश ट्रेड करता हुआ ये स्टॉक आपको नज़र आएगा। ये है आपके लिए अब तक की चाल। बैंकों में HDFC बैंक अब टूट रहा है, ऑफ कोर्स कोटक में तो दबाव कायम है ही, 0.5% से ज्यादा का नुकसान उधर भी है। हमारे जानकारों ने एक एक ट्रेड दिया, रिटर्न्स आपके लिए क्या बन रहे हैं वो आपको दिखाते हैं, मेरे ख्याल में दूसरे ट्रेड्स वो बाद में जोड़ेंगे। सोनी ने सेल दिया है, 190 का टारगेट, 160 का स्टॉप लॉस है, रिटर्न्स की सिचुएशन क्या बन रही है, सेल इनके लिए करीब 0.53% तक का रिटर्न कमा रहा है। पंकज ने NMDC जोड़ा है आज, 280 का टारगेट, 255 का स्टॉप लॉस। पंकज वैसे एक और ट्रेड जोड़ सकते हैं सोनी की तरह, NMDC 0.61% के रिटर्न्स देता हुआ। हरीश ने एक ट्रेड कैरी किया, वो है CSC का, 170 का टारगेट इधर इंटैक्ट है, 148 का स्टॉप लॉस। नया जोड़ा है कोल इंडिया, 498 का टारगेट, 450 का स्टॉप लॉस। इस घंटे CSC इनको 0.62% दे रहा है, कोल इंडिया 0.06% तक के रिटर्न्स देता हुआ। अब ओवरऑल सिचुएशन क्या बन रही है वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। सोनी 8.13% के रिटर्न्स पर है, पंकज 7.48% के रिटर्न्स पर। मुझे लगा था हरीश कुछ रिकवर कर पाएंगे क्योंकि इनके एक दो ट्रेड्स खूब जमे थे, अच्छा चले थे। हरीश इस समय 0.03% के नेगेटिव टेरिटरी में इस समय कर रहे हैं ट्रेड। ये है आपके लिए ताज़ा तस्वीर। निफ्टी बैंक ने एक गहरा नॉक लिया है, 250 पॉइंट का नुकसान। सोनी क्या दिख रहा है, 49,000 ब्रेक हो गया अभी?
जी ब्रेक हुआ है बट बहुत ज्यादा नहीं, मेरे ख्याल से यहाँ पे थोड़ा 100 points के इसमें सपोर्ट लेना चाहिए। आज क्लोजिंग काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्लोजिंग 49,000 के ऊपर अगर हो पाता है वीकली क्लोजिंग सो कंटिन्यू कर सकता है कि वो अप ट्रेंड जो भी है उसका इंटैक्ट रहेगा फॉर द नेक्स्ट वीक, सो वो इंपॉर्टेंट रहेगा वॉच करने के लिए। सिमिलरली निफ्टी की भी क्लोजिंग आज 22,650 के ऊपर काफी इंपॉर्टेंट रहेगा वॉच करने के लिए। आई थिंक वीकली क्लोजिंग यहाँ पे डिटरमाइन कर सकता है कि नेक्स्ट वीक का फर्दर ट्रेंड कहाँ पे हो सकता है। नेक्स्ट वीक का फर्दर ट्रेंड आज की क्लोजिंग पर निर्भर होगा और क्लोजिंग पर नजरें रहेंगी कि क्या निफ्टी बैंक 49,000 के ऊपर लौटता है या नहीं, वो इनफैक्ट डिसाइड करेगा अगले हफ्ते का हाल। चलिए गुड लक टू ऑल थ्री ऑफ यू, एक एक ट्रेड आप तीनों का बचा है, जब भी वो आएगा उसका जायजा हम लेंगे सोशल मीडिया के जरिए और ऑफकोर्स 1 बजे मिड कैप मंत्र में उसे पेश भी करेंगे। और आज दोपहर 3:20 पर इस हफ्ते के खिलाड़ी नंबर 1 से बातचीत होगी। तो गुड लक टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। चले लेंगे एक ब्रेक, ब्रेक के बाद पूरा एक्शन कमोडिटी मार्केट से जुड़ा हुआ, आप बने रहे।